प्रबंधक वन कर्मचारी संघ जिला शाखा बिलासपुर का बैठक वन विश्राम गृह बिलासपुर में छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के रक्षक मोहम्मद फयाज अहमद खान की अध्यक्षता में जितेंद्र साहू, श्री वेद प्रकाश शर्मा, मनीष श्रीवास्तव, लोकमणि त्रिपाठी, संभागीय महामंत्री रामसुख नापिक, जिला अध्यक्ष अजय मिश्रा, जिला सचिव प्रमोद सोनी, जिला महामंत्री शमीम खान, लाखे राम ध्रुव, श्रीमती देवमती कुर्री एवं समस्त वन कर्मचारी रतनपुर वन परिक्षेत्र की उपस्थित में प्रभारी वन परिक्षेत्र अधिकारी रतनपुर के द्वारा कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करना, बिना कोई कारण के वन कर्मचारियों को प्रताड़ित करना, लंबित मजदूरी भुगतान नहीं करने के कारण आज सभी वन कर्मचारी रतनपुर वन परिक्षेत्र के वन कर्मचारियों द्वारा छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के सामने अपनी समस्याओं को रखा। सभी वन कर्मचारी वन परिक्षेत्र रतनपुर के कर्मचारियों द्वारा एक स्वर में कहा गया कि जब तक प्रभारी अधिकारी वन परिक्षेत्र रतनपुर श्री सुनीता साहू को रतनपुर वन परिक्षेत्र से हटाया नहीं जाएगा, तब तक हम कार्य नहीं करेंगे। ये प्रस्ताव संघ के सामने रखा गया। प्रभारी वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री सुनीत साहू को यदि रतनपुर वन परिक्षेत्र से हटाया नहीं जाएगा और निलंबित वन रक्षक को यदि बहाल नहीं किया जाएगा तो चरणबद्ध आंदोलन रेंज मुख्यालय रतनपुर से प्रारंभ 23/1/2023 से किया जाएगा। विषय यह है कि हमारे वन परिक्षेत्र अधिकारी रतनपुर के सुजीत साहू जी हमारे कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। उनके द्वारा अनर्गल बातें कही जा रही है और कर्मचारियों को उच्च अधिकारी द्वारा लेख किया जा रहा है और हमारे कर्मचारियों को सस्पेंड किया जा रहा है। उनको उसी मुद्दों को लेकर के हमने आज जिला शाखा की बैठक, संभागीय अध्यक्ष, प्रांत अध्यक्ष और हमारे संरक्षक के द्वारा सभी बैठक रखी गई है। इसमें यह निर्णय लिया गया है कि अगर 23 तारीख तक परिक्षेत्र अधिकारी रतनपुर को अगर नहीं हटाया जाता है तो हम लोग चरणबद्ध 23 के बाद जिले में आंदोलन चालू कर देंगे और हमारे जिले के सभी समस्त कर्मचारी चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। यही हमारी मांगे हैं कि परिक्षेत्र अधिकारी को हटाते हुए हमारे कर्मचारियों को समस्या के निवारण करें, हमारे कर्मचारियों को जो हम सस्पेंड किया गया है उनको तत्काल बहाल किया जाए, यही मेरी मांग है। क्या कारण है कि उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया रतनपुर का? अब अतिरिक्त प्रभार का ये है कि उसके लिए तो उच्च अधिकारी ही उसका प्रमाण दे सकते हैं कि उनको उनको क्यों नहीं दिया, प्रभार में नहीं रखा गया है। सुजीत जी डबल चार्ज में है अन्य वन मंडलों में, तो उनको क्यों नहीं लिया गया है, इस उद्देश्य को हमारे उच्च अधिकारी ही बताएंगे, उसमें हमारा कोई भी। आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पीसीसीएफ के आदेश की अवहेलना हो रही है डीएफओ साहब के द्वारा? ये निश्चित है कि उनकी अवहेलना हो रही है। अवहेलना को करते हुए जो है तो हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उसके संबंध में चर्चा करेंगे। आगे की क्या रूपरेखा? आगे का हमारी रूपरेखा है कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 23 तारीख से हम लोग 23 तारीख तक हमने एक अल्टीमेटम कल देंगे और 23 तारीख तक हमारी मांगे नहीं पूर्ण होती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन जिला पे करेंगे। जिले संभाग रामसुख नापित, जिला अध्यक्ष वन कर्मचारी संघ बिलासपुर का अवहेलना करना ये समस्या परे है। निश्चित रूप से हम मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर और वनमंडलाधिकारी बिलासपुर से मिलकर के इस बात पर चर्चा करेंगे कि वरिष्ठ कार्यालय के आदेशानुसार श्री गोपाल जांगड़े को वहाँ पदस्थिति हुई है और अतिरिक्त प्रभार उनको दिया जाना ये भी सोचनी है और उनको मूल पदस्थापना पे सुनील साहू को भेजा जाए और जो जिनका आदेश हुआ जिस प्रक्षेत्र अधिकारी का वहाँ पे उनको पदस्थापना किया जाए। हमारे कर्मचारी सुनील साहू से प्रताड़ित हैं, उनके द्वारा बेवजह वरिष्ठ अधिकारियों को हमारे अपने कनिष्ठ अधिकारी के लिए वो लिखित में देकर के निलंबन की कार्रवाई कराए जा रहे हैं जिससे हमारे सभी कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। ऐसा नहीं लगता कि पीसीसीएफ का जो आदेश हुआ था जांगड़े साहब को लेकर के उसकी अवहेलना कहीं ना कहीं डीएफओ साहब कर रहे हैं बिलासपुर? निश्चित रूप से वरिष्ठ अधिकारी के जो आदेश है उसका अवहेलना हमारे वन मंडलाधिकारी महोदय और मुख्य वन संरक्षक महोदय को इसको संज्ञान में लेकर के त्वरित कार्रवाई करना चाहिए और उनको रतनपुर प्रक्षेत्र से उनको हटा देना चाहिए। भविष्य की क्या रूपरेखा है? भविष्य में हम लोग वन कर्मचारी संघ अपनी दो मांगे हैं, एक तो हमारे एक मदक्षक को बेवजह निलंबित किया गया है जिसको निशर्त बहाली किया जाए और रतनपुर प्रक्षेत्र में भुगतान बहुत सारा लंबित है जिससे हमारे कर्मचारी मजदूरों से भी झेल रहे हैं उनके परेशानियों को और हमारे प्रक्षेत्र अधिकारी जो प्रभारी प्रक्षेत्र अधिकारी है वो अपने कार्यालय में बैठकर सिर्फ तानाशाही कर रहे हैं। उस तानाशाही के बंद करने के लिए ये आंदोलन के हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे 23 तारीख से। आप लोगों की अगर मांग पूर्ण नहीं होती है तो क्या कार्रवाई करेंगे? मांग यदि पूर्ण नहीं हो, जब तक मांग पूर्ण नहीं होगी तब तक हम लोग आंदोलन पर डटे रहेंगे, चरणबद्ध आंदोलन हम करेंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम आंदोलन करते ही रहेंगे। नाम बताएं? वेद प्रकाश शर्मा, संभागीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ बिलासपुर संभाग।